जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। इसकी सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है। इस पर अनेक आचार्यों ने अनेक टीकाएँ बहुत सुंदर सुंदर लिखी हुई हैं। 10 अध्यायों में यह विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे, जीव के असाधारण भाव, जीव का लक्षण, जीव के भेद प्रभेद। और अब हमने ये जाना था कि जीव एक गति से दूसरा गति जाता है, तो किस प्रकार की उसकी कौन सी गति में क्या क्या चीज़ की व्यवस्थाएं होती हैं, ये अपन ने जाना था। कल अपन ने देखा था कि अविग्रह गति और विग्रहवती, विग्रह गति, तो 2 प्रकार की गति देखी अपन ने। जो मुक्त जीव है उसकी अविग्रह गति होती है, सीधी गति होती है, मोड़ा रहित गति होती है। और जो संसारी जीव है उसकी भी मोड़ा रहित भी होती है और मोड़ा सहित भी होती है, विग्रह भी होती है। आज अपन इन दोनों जो गतियाँ हैं उसके बारे में यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है अविग्रह और विग्रहवती, 2 प्रकार की गति लिखी हुई हैं, अविग्रह शब्द और विग्रह। विग्रह का अर्थ मैंने आपको बता दिया था, एक लिया था शरीर, वो वाली बात हो चुकी है। अब यहाँ पर विग्रह का अर्थ है मोड़ सहित, ठीक है ना, और अविग्रह का अर्थ है मोड़ रहित। तो इस प्रकार से अविग्रह और विग्रहवती। अब देखिए अविग्रह के नीचे लिखा हुआ है ऋजु गति। ऋजु, ऋजु मतलब सरल, सरल गति। अब मोड़ा रहित रहित होगी तो सरल गति होगी ना। जैसे आप कहीं रोड से जा रहे हैं तो आपको गाड़ी चलाने में क्या कैसे कौन सी सड़क में आनंद आएगा? बिल्कुल सीधी सीधी रोड जा रही है, बिल्कुल राजमार्ग, कहीं मुड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, तो बड़े आनंद के साथ आप गाड़ी चलाओगे, ये सरल हो गई। और किसी में दाएं मुड़ो, फिर बाएं मुड़ो, फिर यहाँ मुड़ो, फिर वहाँ मुड़ो, तो आदमी सोचेगा क्या कैसा है, गाड़ी कैसे चलाएं, तो वो ऋजु गति नहीं होगी, ठीक है ना। तो अविग्रह गति कैसी है? ऋजु गति है, सरल गति है, किसी प्रकार की जटिलता उसमें नहीं है जीव को जाने में। उसको आचार्यों ने क्या नाम दिया है? उसको ईशु गति। ईशु गति, ईशु गति, ईशु किसे कहते हैं? बाण। जैसे आप धनुष से बाण को छोड़ते हैं तो कैसे जाता है वो? सीधा जाता है, ठीक है ना। तो ईशु मतलब बाण, तो ईशु गति। अविग्रह गति कैसी हो गई वो? उसका नाम क्या हो गया? ईशु गति, जिसमें कोई मोड़ नहीं, सीधा जा रहा है। यहाँ से कोई जीव है तो यहाँ पर जाना है तो सीधा चला गया, वहाँ पे जाके जन्म ले लिया, या सिद्धालय में जाना है तो सीधा चला गया, तो ठीक है ना। वो कौन सी गति हो गई? ईशु गति। ईशु गति बोलो, अविग्रह गति बोलो, या ऋजु गति बोलो, बात एक ही है। फिर विग्रहवती में देखो 3 बातें लिखी हुई हैं, 3 बातों को आप नोट कर लेंगे, वैसे 4 को नोट कर लेंगे। पहले ईशु गति, ठीक है ना। दूसरी गति जो है पाणी मुक्ता गति, क्या लिखा है? पाणी मुक्ता गति। तीसरा लिखा हुआ है लांगलिका गति, लांगलिका गति। घबराना नहीं, शब्द आपके पास नए नए आ रहे होंगे, अपन इनका अर्थ भी देखेंगे। और चौथा लिखा है गौमूत्रिका गति, गौमूत्रिका गति। इस प्रकार से 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला लिखा था ईशु गति, तो ईशु मैंने आपको बता दिया, किसे कहते हैं? बाण जैसी गति, सीधी जाने वाली, स्ट्रेट, सीधे बिल्कुल। फिर दिया पाणी मुक्ता गति, पाणी किसको कहते हैं? हाथ को। पाणी किसको कहते हैं? हाथ को। आप बोलते ना पाणी उत्सव, विवाह में विवाह बोलते, दोनों हाथ मिला करके पाणी उत्सव होना है, तो पाणी मतलब होता है हाथ, तो ये हाथ, ठीक है। और मुक्ता बोलते हैं मोती को, मुक्ता मोती को। अब अपने हाथ में मोती रखिए और मोती को नीचे गिराना है, तो आपने धीरे से ऐसा किया तो कैसा गया? सीधा गया कि यहाँ पे आके ऐसे गिरा, ठीक है ना।
हाथ में मुक्ता रखा है, मोती रखी हुई है, और उसको अपन ने गिराया तो सीधे जाकर के ये हुआ। तो क्या हुआ, ये सीधा गया और एक मोड़ लिया। क्या लिया इसने, तो ऐसे जीव यहाँ से जाकर के यहाँ इसको जन्म लेना है यहाँ पर, तो ये पहले सीधा गया और फिर ये सीधे आकर जन्म ले लिया। तो इसने एक समय लगा, यहाँ से गया तो यहाँ तक एक समय लगा, और फिर इसमें एक मोड़ लगा। क्या लगा, एक मोड़, और सीधा जा करके फिर जन्म लिया तो दूसरा समय। तो दूसरे समय में तो उसका जन्म हो गया, एक समय में मरण हुआ और दूसरे समय में क्या हो गया, जन्म हो गया। तो उसका दो समय लगा, क्या लगा, और मोड़ा कितना लगा, एक मोड़ा लगा, एक बाण वाले में कोई मोड़ा लगा, उसमें कोई मोड़ा नहीं, सीधा है। और तो सीधा है तो समय कितना लगेगा, एक ही। तो एक समय में उसका क्या हो गया, जन्म हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, एक समय और दूसरा समय, तो दो समय में उसका क्या हो गया, जीव का जन्म हो गया। ठीक है, एक मोड़ा और दो समय। तीसरा यहाँ पर क्या दिया है, लांगलिका गति। लांगलिक किसे कहते हैं, हल को। आप लोगों ने हल तो चलाया नहीं होगा, अब आज की जो जनरेशन है वो तो चलाती ही नहीं हल, उन्हें पता भी नहीं होगा। जो खेत में बैल को लगा करके जोतते हैं वो हल, ठीक है ना। तो हल को आपने देखा होगा इस प्रकार से, ऐसा जेट की तरह बनता है, यू यू यू, ठीक है ना, ऐसा आया, ये गया और ये गया, ऊपर पकड़ने का होता है और दबाव के लिए नीचे होता है। तो इस प्रकार से उसमें कितने मोड़ लगे, देखिए आप, एक ऐसा आया, एक समय हो गया, मोड़ एक हुआ, फिर दूसरा समय हो गया, फिर यहाँ पर आके दूसरा मोड़ लगा और तीन समय हो गया। तो एक समय, दो समय और तीन समय, तो तीन समय में उसका क्या हो गया, जन्म हो गया। हो गया ना, पहला समय में जीव गया, जैसे ये जा रहा है जीव गया एक समय, फिर यहाँ पर मोड़ लिया, ऐसा ऊपर गया तो दो समय, और फिर ऐसा गया तो ये तीन समय। तो इस प्रकार से लांगलिका गति किसे कहेंगे, जो तीन समय में जीव का जन्म हो जाए, दो मोड़ और तीसरा समय लगे, उसे लांगलिका गति कहते हैं। चौथी जो गति है वो गोमूत्र का गति। जैसे गाय चलते चलते मूत्र छोड़े तो वो ऐसा ऐसा सांप की तरह ऐसा बन जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जिसमें तीन मोड़ा लगे और चार समय में उसका जन्म हो जाए, चौथे समय में उसका जन्म हो जाए, तो उसे बोलते हैं गौमूत्रिका गति। जैसे निष्कुट क्षेत्र से, त्रस नाली से बाहर से कोई जीव आया और पहले त्रस नाली में आया तो उसका ये एक समय लगा, ऊपर गया तो इसमें एक मोड़ा लगा तो दो समय हो गया, फिर त्रस नाली के बाहर गया तो वह कितना समय लग गया, तीन समय लग गया। और वहां पे जो मोड़ा हुआ तो तीन मोड़ा हो गया, दो मोड़ा हो गए, और तीसरे मोड़ा लेकर के वहां पर फिर निष्कुट क्षेत्र में गया तो चौथे समय में उसका क्या हो गया, जन्म हो गया। तो चार समय और तीन मोड़ा जिसमें लगे वो गोमूत्र का गति होती है। ध्यान रखना, ये जो तीन मोड़े वाली जो गति होती है वो स्थावर जीव की ही होती है। किसकी होती है, क्योंकि त्रस नाली के बाहर स्थावर जीव होते हैं और वही त्रस नाली के अंदर आएंगे और फिर त्रस नाली से बाहर जाके जन्म लेंगे, तो इसलिए उनको कितने मोड़ लग जाएंगे, तीन मोड़ और चौथा समय। जैसे त्रस जीव आदि जो हैं उनकी उनका चौथा तीन मोड़ उनको नहीं लगते हैं, क्योंकि वो त्रस नाली के अंदर है तो उनको दो मोड़ में ही काम चढ़ जाता है, और तीन समय में अधिक से अधिक तीन समय में उनका क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा अविग्रह और विग्रह में चार प्रकार की गति बताई। अविग्रह में मात्र कौन सी गति है, इषु गति है, और विग्रह में पाणि मुक्ता, लांगला और गोमूत्र का गति है, और ये चारों गति संसारी की जीव की होती है, और सिद्ध भगवान की मात्र इषु गति होती है, ऋजु गति होती है। और ये पाणि, लांगला, गोमूत्र का गति है, इनको जटिल बोला, इनको ऋजु नहीं बोला, क्योंकि एक मोड़ भी लेना पड़ा जटिल है, दो मोड़ लेना पड़ा तो और जटिल हो गई, और तीन मोड़ लेना पड़ा तो और भी जटिल हो गई। इस प्रकार से जो कठिन रूप से है वो विग्रहवती है, और जो बिल्कुल सरल है वो अविग्रहवती है। यहाँ पर अपन ने इस स्लाइड में ये चार प्रकार की गति देखी और चार समय में कैसे जीव जन्म लेता है ये भी देखा। नमस्तु आचार्य श्री। कोई जीव मधुलोक में है और उसे अधोलोक में आना है, तो वो पहले सीधा ऊपर नीचे जाएगा या पहले ऊपर जाके नीचे आएगा? कोई जीव मध्यलोक में, मान लो कोई मनुष्य है और उसको नीचे नरक में जन्म लेना है,
तो उसे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो नीचे से उसकी ईशु गति हो जाएगी, नीचे की ओर हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अनुश्रेणी में कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, या पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, इस प्रकार से आकाश में श्रेणियाँ होती हैं। तो वह नीचे की श्रेणी में गमन कर लेगा। कौन सी श्रेणी में? नीचे की श्रेणी में गमन करेगा, तो उसे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि जीव का स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन करना है, तो कोई भी जीव होगा सबसे पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ऐसा नहीं है। कर ऊर्ध्वगत स्वभाव तो उसका है, लेकिन वह कर्मों से लदा हुआ है। कैसा है? जैसे कोई तुम्बी है, तो उसमें अपन ने मिट्टी का लेप कर दो, जल में डालो, तो क्या होगा? वो नीचे जाके डूब जाएगी, बाद में जब लेप हटेगा तब ऊपर आएगी। तो अभी वो संसारी जीव है, कर्मों से बंधा हुआ है, तो इसलिए उसको ऊपर जाके नीचे आएगा ऐसा नहीं। वह यदि यहाँ पर है और जन्म उसको यहाँ लेना है, ठीक है ना, तो सीधा यहाँ पे जाके ईशु गति में जाके जन्म ले लेगा। लेकिन जीव यहाँ पर है और जन्म इसको यहाँ लेना है, तो क्या करेगा? ये सीधा ऐसे आकर के और ऐसे जन्म ले लेगा। ठीक है, दिख रहा ना आपको? सीधा यहाँ पर है और यहाँ पर जन्म लेना है इसको, और जीव यहाँ पर है, तो सीधा नीचे आया, ये हो गया ईशु गति, ठीक है ना। और फिर ये जाके एक मोड़ लिया तो यहाँ पर आ गया, तो क्या हुआ? अब ये ईशु गति नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि इसमें एक मोड़ आ गया। क्या आ गया? अब ये पाणी मुक्ता गति हो गई। कौन सी गति हो गई? एक समय और दो समय। तो दूसरे समय में इसका क्या हो गया? जन्म हो गया। तो ये पाणी मुक्ता गति हो गई। तो उसके लिए इसी में ही, तृष नाली में ही यह व्यवस्था बन गई। और सीधा जन्म लेना है तो बिना मोड़ा कि उसकी ईशु गति की बन जाएगी, अविग्रह गति उसकी यहाँ अधो में बन जाएगी। इस प्रकार से यह कोई भ्रम में ना रहे कि यहाँ पे जीव है तो सबसे पहले ऊपर जाएगा, फिर मोड़ लेगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो नीचे डायरेक्ट आ सकता है। यदि उसको ऊपर जन्म लेना है, यहाँ पे जीव है और जन्म उसको यहाँ पे लेना है, तो वो सीधे जाके ईशु गति में जन्म ले लेगा। अथवा उसको यहाँ पे जन्म लेना है तो ये सीधा गया और जाकर के यहाँ पे जन्म लिया, तो एक मोड़ा लिया, पाणी मुक्ता गति उसकी हो जाएगी, विग्रह गति, विग्रहवती में। इस प्रकार से ये पाणी मुक्ता उसकी गति हो जाती है। तो यहाँ पर इसका ये अर्थ समझना। इस प्रकार से अपन ने ये गतियाँ देखी। अब इन गतियों में समय कितना लगता है, और उस समय जो जीव है आहारक है या अनाहारक है। अब ये नया शब्द आ गया आपके लिए, पर इसका अर्थ अपन समझेंगे कि आहारक भी किसे कहते हैं और अनाहारक भी किसे कहते हैं। लेकिन उसके पहले जो आचार्य भगवान ने दो सूत्र बताए हुए हैं कि अविग्रह में कितना समय लगता है और विग्रह में कितना समय लगता है, और वो आहारक अनाहारक किस प्रकार से होता है, तो उसके लिए अपन पहले, सबसे पहले यहाँ सूत्र पढ़ते हैं, अपनी जिनवाणी में निकाल लेंगे। 29 नंबर का सूत्र और 30 नंबर का सूत्र, दोनों सूत्र यहाँ पर अपन इसको देखते हैं। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग इसका उच्चारण करेंगे। एक समया विग्रहा, एक समया विग्रहा, एक समया विग्रहा। एक समया विग्रहा। और 30वां नंबर है, एकम एकम द्वौ द्वौ त्रीन्वा नहार कहा, त्रीन्वा त्रीन्वा नहार कहा, त्रीन्वा नहार कहा, एकम द्वौ त्रीन्वा नहार कहा। एकम द्वौ त्रीन्वा इस प्रकार से यहाँ सूत्र का उच्चारण किया। अब हम सब लोग इसको बोर्ड के माध्यम से एक बार सूत्र को देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरे अध्याय का 29वां और 30वां नंबर सूत्र है, ये 29वां और 30वां नंबर है। देखिए क्या लिखा है, एक समया विग्रह, ठीक है ना, एक समया विग्रह, संधि एक समय प्लस अविग्रह, ठीक है ना। जो अविग्रह गति होती है उसमें मात्र एक समय लगता है। कितना समय लगता है? एक समय। इसका मतलब हो गया कि जो विग्रह है उसमें एक समय, दो समय, तीन समय और चार समय के पहले पहले, तो वो अविग्रह गति में 4 समय के पहले पहले, और अविग्रह मात्र एक समय। एकम द्वौ त्रीन वा नाहार कहा, एकम द्वौ त्रीन वा नाहार कहा। क्या कह रहे हैं? एक समय, दो समय, तीन समय, ठीक है ना, वा मतलब अथवा, अथवा 3 समय में जीव क्या होता है? अनाहार कहा। क्या होता है? अनाहारक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक समय में, दो समय में अथवा
तीसरे समय में जीव क्या होता है, अनाहारक होता है, अर्थात आहारक नहीं होता है। अब ये आहारक और अनाहारक क्या होता है, इसके बारे में अपन अभी देखेंगे। अब इस सूत्र में ये समझे कि एक समय में, जब एक समय की गति जीव होती है, उस समय जीव क्या होता है, वो अनाहारक होता है, आहारक नहीं होता है। दो समय में भी अनाहारक हो सकता है, तीन समय भी अनाहारक हो सकता है। अब कैसे अनाहारक तीन समय में दो समय में होगा, इसके बारे में अपन डिटेल में समझते हैं। पहले अपन समझ लेते हैं आहारक और अनाहारक। तो आहार किसे कहते हैं, आप यहाँ पर स्लाइड में देख रहे होंगे लिखा है आहार, ठीक है ना। आहार का यहाँ पर कबला आहार नहीं लेना है, जो आप रोटी खाते हो, चपाती खाते हो, भोजन अन्न खाते हो, वो आहार की बात नहीं चल रही है। आहार यहाँ पर चल रही है कि जो जीव जब जन्म लेता है तो उस समय अपने शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं को इकट्ठा करता है, ठीक है ना, और उसमें शरीर बनने की जो शक्ति को इकट्ठा करता है, ऐसे योग्य पुद्गल परमाणुओं को इकट्ठा करता है, उसे आहार कहते हैं। तो वो आहार लेना, भोजन पानी वाला आहार नहीं लेने का, ठीक है ना। क्या लिखा है आहार यहाँ पर, औदारिक आदि तीन शरीर। औदारिक आदि तीन शरीर, मनुष्यों का और त्रिरंचों का जो शरीर होता है वो औदारिक शरीर बोलते हैं उसको। देव और नारकियों को जो शरीर होता है उसे वैक्रियक शरीर कहते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की विक्रिया बनती हैं। और जो मुनि हैं औदारिक शरीर सहित, उनको एक विशेष रिद्धि से एक आहारक शरीर भी प्रकट होता है, जिससे वो अपनी शंका समाधान आदि कर सकते हैं। शरीर से एक दूसरा शरीर निकलता है और वो समोषण में जाके भगवान के वहाँ पे आकर के अपना शंका समाधान कर सकता है, वो आहारक शरीर। इन सब पांचों शरीर के बारे में चर्चा अपन आगे सूत्र में करेंगे, क्योंकि पांच प्रकार के शरीर आचार्य भगवान स्वयं आगे बताएंगे। अभी तो हमको ये बताना है आहार किसे कहते हैं। तो औदारिक, वैक्रियक और आहार आदि तीन शरीर और छह पर्याप्तियाँ। कितनी पर्याप्ति बोल रहे हैं, छह पर्याप्तियाँ। छह पर्याप्ति कौन सी होती है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। आहार समझ में आया ना, जो पौद्गलिक जो वर्गणाएं हैं उनको इकट्ठा करना, ठीक है ना, नौ कर्म वर्गणाएं, तो वो आहार, ठीक है ना। आहार, शरीर और शरीर बनने के योग परमाणु। शरीर किससे बनेगा, शरीर, आहार, शरीर, तो इंद्रिया बननी है तो इंद्रिय बनने वाले परमाणु, तो वो इंद्रिय, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, जिससे श्वास आएगी जाएगी वो प्रकार के परमाणु, और फिर भाषा जिससे वचन बोले जाएंगे वो भाषा वर्गणा, और मन मनोवर्गणा। इस प्रकार से आहार वर्गणा और भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, इन सब वर्गणाओं को जो इकट्ठा करता है, तो वो छह प्रकार की होती हैं। किस प्रकार के, छह प्रकार की पर्याप्ति, तीन शरीर और छह पर्याप्ति के योग पुदलों को ग्रहण करने को आहार कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ में आया ना, जिससे इंद्रिय बने, शरीर बने, भाषा बने, मन बने, श्वासोच्छ्वास बने, ऐसे योग जो पुद्गल परमाणु हैं, जीव उनको जब ग्रहण करता है तो ग्रहण पूरा हो जाता है तो वो पर्याप्त कहलाता है, और ग्रहण पूरा ना हो सके और वहाँ पे मरण हो जाए, गर्भ में ही मरण उसका हो जाए, तो वो अपर्याप्त कहलाता है। मतलब उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाई और मरण को प्राप्त हो गया, वो अपर्याप्त, और पूर्ण कर लिया तो वो पर्याप्त। तो इस प्रकार से आहार किसे कहा अपन ने, तीन शरीर और छह पर्याप्ति के योग पुद्गल परमाणुओं को जीव जो इकट्ठा करता है उसे आहार कहते हैं, और उस आहार को धारण करने वाला आहारक कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जो का जो शब्द है वो स्वामीवाचक होता है। जैसे अपन लेख के पीछे का लगा दो तो लेखक बन जाता है, उस लेख को लिखने वाला, पाठ तो पाठक बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आहार, आहारक, उस आहार को धारण करने वाला जीव वो आहारक हो जाएगा, और जो उसको धारण ना करे उसे कहेंगे अनाहारक, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, अनाहारक। आहारक और अनाहारक, इस प्रकार से दो शब्द आएंगे। अब अपन देखिए, जो अपन ने पहले जो गति पढ़ी थी ऋजु गति, इषु गति, अब उसमें अपन देखेंगे कि मोड़ा, एक एक पॉइंट देखना अपन को मोड़ा, दूसरा देखना है समय, और तीसरा देखना है अनाहारक काल,
ठीक है ना। ये सूत्र जो अपन ने चर्चा की है अभी तक के जितने सूत्र में चर्चा की है, अब अपन तीनों चीज लगाएंगे, ये मोड़ वाली है नहीं है, इसमें समय कितना लगेगा, ये आहारक अनारक में से क्या अवस्था है इसकी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए स्लाइड में लिखा हुआ है ऋजुगति, इसको बोलते हैं ईशुगति, मोड़ा लिखा है तो कैसा लगेगा, सीधा बिना मोड़ के एक लाइन बनी हुई है, देखिए आप एक लाइन भी बनी हुई सीधा, उसमें कोई मोड़ नहीं है, बिल्कुल सीधा, ठीक है ना। समय कितना लिखा है, एक समय, कितना समय लगेगा, पूरा एक समय लगेगा। और अनारक काल क्या है, ये अनारक नहीं होता है, क्या नहीं होता, जिसको एक समय लगना है उस संसारी जीव का वो तो अहारक ही है, क्योंकि एक समय में उसका जन्म हो रहा है तो वो अनारक कैसे रह सकता है, क्योंकि यहाँ तो शरीर की यहाँ तो शरीर समाप्त हुआ और उसने उसी समय दूसरे शरीर के परमाणु इकट्ठे करना प्रारंभ कर दिए, तो एक समय का भेद तो और नहीं हो सकते है ना। तो एक समय के भेद जब नहीं हो सकते हैं तो उसी समय उसका मरण हुआ और तुरंत उसी समय ही उसके परमाणु भी आने लगे, नौ कर्म में परमाणु इकट्ठा करने लगा, तो उस समय जीव कैसा होता है, अनारक नहीं होता है, आहारक ही होता है, ठीक है ना। क्योंकि एक समय वाले जीव का अनारक ही नहीं होगा, आहारक होगा, कि संसारी जीव की अवस्था बता रहा हूँ। और वैसे जो मुक्त जीव हो रहे हैं, जो सिद्धालय में जा रहे हैं, तो वो कैसे होंगे, वो तो ना आहारक ना अनारक, क्योंकि शरीर छूट गया और ना आगे कोई परमाणु इकट्ठे उनको कोई करना है शरीर योग, तो इसलिए वो तो शरीर रहित रहना है, तो इसलिए ना आहारक ना अनाहारक। लेकिन संसारी जीव कैसा होगा उस समय, अनारक नहीं होगा आहारक होगा, क्योंकि उस समय वो उसी समय ही वह योग पुद्गल परमाणुओं को इकट्ठा प्रारंभ कर देगा। जैसे जीव यहाँ पर है, यहाँ जन्म लेना है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का क्या समय है, एक समय है, अब एक समय के भेद तो नहीं हो सकते हैं, तो वो उस समय वहां से उसने शरीर छोड़ा, उसी समय ही वह पुद्गल परमाणु को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया नए शरीर का, तो उसमें क्या होगा, वो अनारक नहीं होगा, आहारक ही होगा, ठीक है ना। विशेष क्या लिखा है, कितनी भी दूरी हो, यदि जीव पुद्गल बिना मोड़े की गति कर रहा हो तो उसमें एक समय ही लगेगा। नमस्ते आचार्य जी, एक क्वेश्चन पूछना है। दो जीव एक साथ, एक एक पहले पहले और एक उससे ऊपर गया, और दोनों के रास्ते में समय एक ही लगा, इसका हमें कुछ आंसर समझ नहीं आया, ये हमें। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, और आपके मन में भी यह शंका हो सकती है कि कोई अधोलोक में कोई जीव है और वह मध्यलोक में जाकर के ईशु गति से सीधी गति से जाके जन्म ले मध्यलोक में, तो उसका एक समय लगेगा, क्योंकि ईशु गति में तो एक ही समय लगता है ना अभिग्रह में, और वहीं अधोलोक में कोई दूसरा ईशु गति से सीधा ऊपर जाए और सिद्धालय के पास तनुवात वलय में जाकर के जन्म ले, 14 राजु गमन करे, 14 राजु गमन करे, तो उसको भी एक समय लग रहा है, और एक अधोलोक से मध्यलोक में जन्म ले रहा है, 7 राजु गमन कर रहा है, तो उसको भी एक समय लग रहा है। तो क्या प्रश्न इनका है कि क्या समय में भेद है, रास्ता तो बहुत लंबा और छोटा रास्ता हो गया, कहाँ एक का 7 राजू और कहाँ इसका 14 राजू, और समय कितना लग रहा है, एक समय, तो क्या समय के भेद हैं, तो समय का भेद तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि काल की सबसे छोटी इकाई है, तो समय का भेद इसमें कहीं भी नहीं हो सकता, समय तो दोनों को एक समय ही लग रहा है। एक जीव अधोगति से अधोलोक से तनुवात वलय से मध्यलोक में आए, 7 राजू लगेगा उसको, और एक जो है वो 14 राजू वाले को भी उसमें भी एक समय लगेगा, ठीक है ना। तो समय में भेद तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या है, द्रव्य की योग्यता पर अपन ध्यान रखेंगे कि जो ये जीव जा रहा है उसका जो परिस्पंदन है वो कितना तेज हुआ, जिसकी उसकी गति में अंतर हो सकता है, समय में अंतर नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, तो एक गाड़ी 1 घंटे में प्लेटफॉर्म में यहाँ पहुँचती है, और दूसरी गाड़ी 1 घंटे में उससे आगे वाले प्लेटफॉर्म में पहुँच जाती है। एक ट्रेन होती है ना, एक एक्सप्रेस होती है, शताब्दी होती है, वो 5 घंटे में पूरा यहाँ से मान लो बॉम्बे कर लें 5 घंटे में, और एक कर रही है वो 10 घंटे में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखिए गाड़ी की स्पीड पर ध्यान रखना अपन को, किस पर ध्यान रखना है कि जो गाड़ी की स्पीड है वो कैसी है, समय तो वही है। यहाँ भी अपन को ये बात ध्यान रखना है कि द्रव्य की जो गति है वो कैसी है,
एक द्रव जो है उसके परिस्पंदन इतने तेज हैं कि वो एक समय में 14 राजू गमन कर जाता है, और एक का परिस्पंदन थोड़ा कम होगा जिससे वो एक समय में ही कितना गमन कर पाया, वो 7 राजू। तो समय दोनों में क्या लगा, एक समय ही लगा, और द्रव्य की अपनी योग्यता के अनुसार, योग्यता के कारण उसमें यह अंतर आ जाता है। तो अपन इस प्रकार से इसका इसी प्रकार से अर्थ समझेंगे। यहाँ पर अपन ने यहाँ पर ऋजु गति के बारे में पढ़ा, और इस प्रकार से अब आगे और भी गतियाँ हैं जो मोड़ हैं, उन मोड़ों में कितना समय और जीव आहारक अनारक कैसे होता है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज इतना ही, अब हम सब लोग जनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत होंधो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन।